Hello friends, welcome to Mission IAS. Now friends, in this video I'm going to explain about the crash courses on Indian economy for UPSC Prelim. तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ. सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो को ज़रूर ज़रूर शेयर कीजिए उन नीडी आईएएस एस्पिरेंट ग्रुप में व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, जो कि कॉस्टली कोचिंग क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. सो हमने डिसाइड किया है दोस्तों कि क्रैश कोर्सेज, क्योंकि एटलीस्ट आप देखोगे कि प्रिलिमिनरी हो मेन्स. सबसे पहले आप बात कर लेते हैं प्रिलिमिनरी की. प्रिलिमिनरी पास करोगे तभी आप मेन में जाओगे. तो प्रिलिमिनरी की जो 100 क्वेश्चन होते हैं पेपर फर्स्ट में, जनरल स्टडीज़ के पेपर फर्स्ट में, तो उन 100 क्वेश्चन में से कम 50 से 60 क्वेश्चन है ना, नियर 50% तो समझ के चलो कि स्टैटिक पोर्शन से आता है. स्टैटिक यानी कि दो यूपीएससी का जनरल स्टडीज़ का प्रिलिमिनरी का जो पेपर होता है पेपर फर्स्ट, वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है. एक तो है एक स्टैटिक, एक करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स में बजट, इकोनॉमिक सर्वे और जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे. और जो स्टैटिक पोर्शन है उसमें इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी वगैरह आएंगे. तो आप इसलिए हमने आपकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि करंट अफेयर्स तो डायनेमिक है, उस पर हम एट द एंड ऑफ नियर एग्ज़ाम के करीब, मतलब आपका टारगेट है 2 जून, इन 2 जून को आपका एग्ज़ाम है, उससे एक महीने पहले हम करंट अफेयर्स पे वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे. लेकिन अभी आपका हम चाहते हैं कि आपका स्टैटिक स्ट्रॉन्ग कर ले. इसके लिए हमने डिसाइड किया है कि स्टैटिक पोर्शन पे क्रैश कोर्सेज बनाए जाए. हम एवरीथिंग नहीं कंप्लीट करेंगे, लेकिन जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसपे यूपीएससी के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं पूछे क्वेश्चन, वही टॉपिक हम कवर करेंगे. सो हमने एक इनिशिएटिव लिया है, इंडियन इकोनॉमी से स्टार्ट करते हैं हम. सो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक रिकमेंड करना चाहूँगा, एक वैल्यूएबल सजेशन देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप प्रिलिमिनरी का, अभी एट प्रेजेंट प्रिलिमिनरी की तैयारी कर रहे होगे, तो प्रिलिमिनरी का जो सिलेबस है ना वो आप बाय हार्ट लर्न कर लीजिए, मगअप कर लीजिए. देखिए जैसे इंडियन इकोनॉमी का जो सिलेबस है, द सिलेबस फॉर द प्रिलिमिनरी एग्जाम फॉर इंडियन इकोनॉमी इज इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, थर्ड पॉवर्टी, फोर्थ इंक्लूजन, फिफ्थ डेमोग्राफिक्स, सिक्स सोशल सेक्टर इनिशिएटिव एक्सेट्रा. तो आप देखोगे कि यूपीएससी का जब से मतलब सिलेबस लास्ट टाइम चेंज हुआ 2013 में, तो 2011 एंड 2013 में, वहाँ से लेके अभी तक के 2018 तक के देखोगे तो इससे ये 6 चीज़ों से हट के क्वेश्चन नहीं कराई यूपीएससी ने. जनरली फोकस करता है यूपीएससी जीडीपी पर, रिमिटेंसेस पर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर, है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट पर, मतलब रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, आरबीआई पर, आरबीआई रिलेटेड टू मॉनेटरी पॉलिसी, है ना. तो मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि सिलेबस, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि यूपीएससी प्रीलिम पास करना, आप एक एग्जांपल ले कि एक खजाना है, एक वेल्थ है, एक छुपा हुआ हिडन वेल्थ है, छुपा हुआ खजाना है, उसको आपको सर्च करना है. आपने फिल्मों में देखा होगा कि कोई चीज़ को सर्च करने के लिए मैप बनाया जाता है, प्लान किया जाता है, है ना. तो एक्चुअल में यूपीएससी का जो सिलेबस दिया है उन्होंने उनके नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, या अगर आपके पास नहीं है तो आप डाउनलोड कर लो, गूगल पे सर्च करो यूपीएससी प्रिलिमिनरी सिलेबस आ जाएगी. तो जो सिलेबस है ना एक्चुअल में मैप है, मैप आपको गाइड करेगा कि आपको जाना किस तरफ है, है ना, आपको पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है. जैसे कि दी हिंदू तो है, रोज़ का 10-12 पन्नों का आता है दी हिंदू, उसमें से क्या पढ़ना है. तो ये आपको सिलेबस जब तक कि पता नहीं होगा तब तक आपको अननेसेसरी चीज़ पढ़ोगे, तो आपको सिलेबस के हिसाब से स्टडी करना है ना, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट. तो हम इस पर ज़्यादा से ज़्यादा हम वही कवर करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू हो. जैसे कि मैं लास्ट ईयर के क्वेश्चन बताता हूँ, जैसे कि एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 98, ये 2013 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट अ कैपिटल अकाउंट. अब कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, अगर आप इंडियन इकोनॉमी सारी चीज़ हम हमारे कोर्स में इंक्लूड करेंगे, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, है ना. ये सारी डिटेल में अभी मैं आपको इसी भी हम ये क्वेश्चन देखते हैं कि ऑप्शन है, आप स्टेटमेंट देखिए, फॉरेन लोन्स, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट रिमिटेंसेस, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो. ये 4 ऑप्शन दिए है. आपको पता रहना चाहिए कि करंट अकाउंट में जो है ना, करंट अकाउंट में पैसे मतलब ट्रांजेक्शन गवर्नमेंट का बिजनेस होता है, ट्रेड होता है, लेकिन कैपिटल अकाउंट में सिर्फ इनकम आती है, इनफ्लो होता है, यानी इन्वेस्टमेंट, जो भी अगर इन्वेस्टमेंट होगा तो कैपिटल अकाउंट के में आएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट के. तो फॉरेन लोन्स हो गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यानी कि FIIP, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के जरिए इन्वेस्ट करते हैं. तो 1, 2 एंड 4 इज़ अ पार्ट ऑफ द
capital account, while the अब थर्ड ऑप्शन थर्ड सॉरी थर्ड प्राइवेट रिमिटेंसेस, ये जो है ये दिस इज अ पार्ट ऑफ द करंट अकाउंट. रिमिटेंसेस मतलब जो समझ मतलब जो इंडियन सिटीजन सऊदी अरबिया में कुवैत वगैरह में काम करते हैं, है ना, वो अपनी फैमिली को उनकी सैलरी ऑनलाइन ट्रांजेक्ट कर रहे हैं, इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं दीनार से इंडियन रुपी, तो ये उनकी सैलरी इंडियन में आ रही है. वहाँ के जो दिरहम विरहम होंगे, वहाँ की जो सऊदी अरबिया की करेंसी होगी, हमारे इंडिया में आके इंडियन रुपी में कन्वर्ट हो रही है, तो हमारी इंडिया की वेल्थ बढ़ रही है ना, तो ये रिमिटेंस हो रही है. दैट रिमिटेंस कम्स अंडर द करंट अकाउंट, नॉट इन द कैपिटल अकाउंट. तो लाइक दिस, ये बेसिक चीज़ आपको पता रहना चाहिए. इसका आंसर आएगा 1, 2, and 4. लाइक इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ओपन मार्केट ऑपरेशन रिफर्स टू ओपन मार्केट ऑपरेशन, है ना. आरबीआई बहुत, एक तो मैं आपको एक हिंट दे दूँ कि अगर आप कम वक्त में इकोनॉमी की तैयारी करना चाहते हो तो नीति आयोग के बारे में अच्छे से स्टडी कीजिए, आरबीआई के बारे में स्टडी कीजिए, आरबीआई में रिसेंट डेवलपमेंट जो हुए उसके बारे में स्टडी कीजिए, क्योंकि आप ज़्यादातर जो क्वेश्चन आ रहे हैं यूपीएससी प्रीलिमिनरी में वो करंट प्लस स्टैटिक, स्टैटिक की भी जानकारी आपको होना चाहिए और करंट की भी जानकारी, तभी बात बनेगी, है ना. तो इसका जो आएगा आंसर सी आएगा, परचेस एंड सेल ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द आरबीआई. सो दोस्तों, ज़्यादातर हम मैक्रो इकोनॉमिक, जैसे कि मैंने बताया जीडीपी, मैक्रो इकोनॉमिक मतलब जो कि डिसीजन मेकिंग, क्योंकि आप आईएएस ऑफिसर बनेंगे तो आप डिसीजन मेकर रहोगे ना, तो आप मैक्रो इकोनॉमिक से डील करोगे. तो मेन जो चीज़ है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, वहीं पे हम फोकस करेंगे, अननेसेसरी चीज़ों पे फोकस नहीं करेंगे. और आपको मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप 10th का इकोनॉमी और 10th एनसीईआरटी इकोनॉमी और 12th मैक्रो इकोनॉमिक MACRO मैक्रो इकोनॉमिक का बुक डाउनलोड कर लो, या फिर PDF सॉरी हार्ड कॉपी खरीद लो एनसीईआरटी की, और उसको अच्छे से स्टडी कीजिए. सो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे. एंड प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.